हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द 10th चैप्टर ऑफ द हनीसकल बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द बनियन ट्री. ओके, बनियन ट्री क्या होता है? बहुत बड़ा जैसे बरगद का पेड़ हो. ओके, सो आपने देखे होंगे आपके आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उन्हीं में से एक है बनियन ट्री. उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे आपके इस 10th चैप्टर में. सो बिफोर यू रीड, Have you seen a mongoose? क्या आपने नेवला देखा है? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. आपने lesson 9 जो हमने पढ़ा था desert animals, उसमें बताया था कि जो एक mongoose है, mongoose मतलब नेवला, can fight with, एक सांप के साथ लड़ सकता है और उसे मार भी सकता है. Look at the pictures and read the lines given along with them. अब ये जो साथ में आपको पिक्चर्स दी गई हैं और इसके साथ साथ आपको ये लाइंस दी गई हैं पढ़ने के लिए, आपको कहा गया है कि आप इस पिक्चर को देखें और साथ ही साथ जो लाइंस दी गई हैं उन्हें पढ़ें. तो क्या है बनियन ट्री? द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मोंगूज इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम. मतलब सांप और नेवले की लड़ाई को भारत में देखा जाने वाला एक क्लासिक ड्रामा है, प्राचीन समय से चला आ रहा एक नाटक है, ड्रामा है, और इसका जो रिजल्ट है एंड द आउटकम इज़ लार्जली द सेम. इसका जो परिणाम है वो प्रायः एक ही होता है. क्या? कि जो नेवला है वो सांप को मार देता है. द मोंगूज इज़ नॉट इम्यून टू द वेनमस बाइट बट इज़ फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक. ऐसा नहीं है कि जो सांप के जो विषैले घात का नेवले पर असर नहीं होता है, उसके जहर का असर नहीं होता है, लेकिन जो नेवला है वो सांप की अपेक्षा बहुत अधिक तेज़ और फुर्तीला होता है. फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक. अब यहाँ पर हम कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं एडजेक्टिव की, फास्टर एंड क्विकर दैन, और जब हम कंपेरेटिव या कंपेरिजन करते हैं देन वी यूज़ दिस वर्ड दैन. ये ओके. द कोबरा एज्यूम्स अ पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय अ स्वीपिंग स्ट्राइक बट द क्विक मूविंग मोंगूज जंप्स आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन. सांप जो है एक सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़ा होता है और नेवले पर एक तेज़ प्रहार करता है, पर नेवला इतना तेज होता है कि वो सांप की पहुँच से आउट ऑफ रीच हो जाता है. जम्प्स आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, और वो सांप के ऊपर दोबारा से मतलब दूसरी दिशा से आक्रमण करता है इससे पहले कि जो सांप है वो द्वारा से स्ट्राइकिंग मतलब प्रहार करने की पोजीशन में द्वारा आए, उससे पहले ही नेवला दूसरी डायरेक्शन से आकर उस पर अटैक कर देता है. दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक एंड द मोंगूज इज़ फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक यूजली सीवियरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रे. ठीक है, तो क्या होता है, इन निरंतर आक्रमणों के कारण सांप जो है वो थक जाता है और हिम्मत हार देता है, और नेवला कूदकर सांप पर आक्रमण करता है और अपनी उस जो दांत हैं वो उसकी गर्दन में गड़ा देता है. ठीक है, सो यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री. आपने एक बरगद का पेड़ अवश्य ही देखा होगा. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज ए यंग बॉय when he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house. ये जो कहानी है ये किस बारे में है? ये लेखक ने उस समय देखी थी जब वो एक छोटा बच्चा था और जब वो अपने दादाजी के घर में बरगद के एक पुराने पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, उस समय उसने जो देखा था ये कहानी उसके बारे में है. तो ये कहानी किस बारे में होगी? जो हमने अभी अभी थोड़ा सा रेफरेंस पढ़ा, सांप और नेवले की लड़ाई, तो अवश्य ही ये रेफरेंस वहीं से लिया होगा और इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए
आप भी अपनी बुक्स खोलें और साथ साथ रीडिंग भी करें। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन चीफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। यद्यपि वो घर और भूमि मेरे दादा दादी की थी लेकिन बरगद का वो पुराना जो पेड़ था शानदार मैग्निफिसेंट मतलब बहुत अद्भुत जो पेड़ था पुराना बरगद का पेड़ दैट वाज माइन वो मेरा था। क्यों? क्योंकि जो 65 वर्षीय दादाजी हैं उसके अब वो उस पेड़ पर चढ़ नहीं सकते थे तो जो उसे लगता था कि ये पेड़ मेरा है क्योंकि मैं ही चढ़ सकता हूँ किसे जिन्होंने ये लेसन लिखा है लेखक ने। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस गेव मी एंडलेस प्लेजर। अब वो पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि उसकी फैली हुई शाखाएं जो कि ज़मीन की ओर लटक रही थी और जिन्होंने दोबारा से जड़ पकड़ ली थी जिनमें कई टेढ़े मेढ़े रास्ते से बन गए थे इसके कारण वो मुझे बहुत असीम एंडलेस प्लेजर मतलब ऐसा आनंद जिसका कोई अंत ना हो तो उसे उस पेड़ पर बैठकर बहुत आनंद अनुभव होता था। अमंग देम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज उनमें गिलहरियाँ घोंगे और बटरफ्लाइज के होते हैं तितलियाँ ये रहा करती थी उस पेड़ के ऊपर। द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस ओल्डर दैन ग्रैंड फादर एज ओल्ड एज देहरादून इट सेल्फ आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो। तो जो वृक्ष जो था ये बरगद का जो पेड़ था वो घर और दादाजी दोनों से पुराना था मतलब दादाजी भी उस पेड़ के बाद पैदा हुए पेड़ बहुत पुराना था। द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस पेड़ जो था वो घर से भी पुराना था। ओल्डर दैन ग्रैंड फादर तो ग्रैंड फादर की एज क्या है 65 तो पेड़ 65 ईयर्स से पहले से भी था दादाजी से भी मतलब पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ इतना पुराना जितना कि देहरादून था। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस मैं अपने आप को इसके जो शाखाएं थी और उनके उसमें मैं छुपा सकता था। कहाँ पे? बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स उस पेड़ के जो घने और हरे पत्ते थे उनके बीच में मैं छुप जाया करता था। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो और नीचे जो संसार था उस पर नज़र वहाँ से रख सकता था। स्पाई मीन्स वॉच सीक्रेटली बिना किसी की नज़र में आए दूसरों पर नज़र रखना उसको बोलते हैं स्पाई। वैसे से स्पाई होता है जासूसी करना। ठीक है। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल मेरा सबसे पहले जो मेरी मित्र थी वो एक छोटी सी सिलेटी रंग की गिलहरी थी। आर्चिंग इट्स हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। पहले तो उसने अपनी पीठ को जैसे मोड़कर और हवा में सूसू की आवाज़ करके पहले तो अपनी अपने जो अकेलापन था उसका अकेले रहती थी वो तो उसको लगा कि कोई और उसकी दुनिया में घुस रहा है उसकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें वो कोई इन्वेजन मतलब कोई उस पर जैसे आ रहा हो उसके उसकी दुनिया में हलचल करने के लिए है ना तो पहले तो उसे अच्छा नहीं लगा उसने अपनी अप्रसन्नता जाहिर की सूसू की आवाज़ निकाल के। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटापल्ट और एयर गन ही बिकेम फ्रेंडली पर जब उसने देखा कि मेरे पास कोई गुलेल नहीं है कैटापल्ट होता है गुलेल या कोई एयर गन नहीं है एयर गन मतलब हवा में है सिर्फ ऐसे आवाज़ निकालना एयर गन ताकि पक्षी डर जाएं तो उसने जब देखा कि मेरे पास ना तो गुलेल है ना ही कोई एयर गन है तब वो मेरा दोस्त बन गया वो स्क्विरल। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड एंड वाज सीन टेकिंग मॉर्सेल्स फ्रॉम हैंड और फिर धीरे धीरे जब मैंने उसके लिए केक और बिस्किट के टुकड़े लाना शुरू कर दिया तो और भी बहादुर हो गई वो स्क्विरल और जल्दी ही उसने हाथ से टुकड़े उठाने शुरू कर दिए मतलब मेरे हाथ से मॉर्सेल होते स्मॉल पीसेस ऑफ फूड
वो मेरे हाथ से लेकर खाना उसने शुरू कर दिया, मतलब अब वो डरती नहीं है स्क्विरल उससे. बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड. और थोड़े ही समय बाद उसने मेरी जेबों को टटोलना शुरू कर दिया और जो कुछ उससे उस पॉकेट्स में मिलता वो उसने लेना शुरू कर दिया. मतलब वो जो स्क्विरल थी गिलहरी वो बहुत फ्रेंडली हो गई थी लेखक के साथ. ही वॉज अ वेरी यंग स्क्विरल एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन. तो वो एक बहुत ही छोटा सा गिलहरी का बच्चा था और उसके जो बाकी दोस्त और रिश्तेदार थे वो सोचते थे कि वो तो मूर्ख और एक बेवकूफ एनिमल है जो कि मनुष्य पर भरोसा कर रहा था. इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस. बसंत ऋतु में जब बरगद के पेड़ पर लाल रंग के छोटे छोटे जो फल थे वो आया करते थे, भर जाते थे, रेड फिग्स होते हैं अंजीर, वो लगते थे, तो सब तरह के जो पक्षी थे बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस. कई प्रकार के पक्षी जो थे वो उसकी शाखाओं पर इकट्ठे हुआ करते थे. द रेड बॉटम्ड बुलबुल चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरेट्स मैना एंड क्रोज स्क्वैबलिंग विद वन अनदर. कैसे कैसे पक्षी होते थे, जैसे लाल तली पेट वाली बुलबुल बहुत खुश रहने वाले और लालची तोते मैना और कौवे वो सब आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे. ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियन ट्री वाज द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन. तो अंजीर के मौसम में जो ये बरगद का पेड़ था पूरे बगीचे में सबसे अधिक शोरगुल वाला स्थान बन जाता था. मतलब सबसे ज़्यादा शोर पेड़ पर ही होता था क्योंकि सब तरह के पक्षी उन फिग्स को खाने के लिए इकट्ठे होते थे और आपस में लड़ते थे खाने के लिए. हाफ वे अप द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट. पेड़ की आधी ऊंचाई पर मैंने एक आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म एक ऐसे रफ एंड टफ जैसा प्लेटफॉर्म बना दिया था जहाँ मैं दोपहर में जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तब मैं उस समय दोपहर के बाद का समय वहाँ पर बिताता था. ठीक है. आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद द कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम. और मैं घर से एक गद्दा लाकर और पेड़ के साथ टेक लगाकर वहाँ पर पढ़ाई किया करता था. ठीक है. ट्रेजर आइलैंड हकलबरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बनियन ट्री लाइब्रेरी. कौन कौन सी बुक्स थी उनके पास पढ़ने के लिए मेरी लाइब्रेरी में, ट्रेजर आइलैंड हकलबरी फिन और स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल, ये मुख्य पुस्तकें थीं. व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो. जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं वृक्ष के पत्तों के थ्रू नीचे देखता था कि क्या चल रहा है ना. एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स अ फाइट बिटवीन अ मोंगूज एंड अ कोबरा. और ऐसे ही एक विशेष दोपहर के बाद मतलब क्या हुआ मुझे मौका मिला. आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, भारत के जंगलों में पाया जाने वाला एक प्राचीन नज़ारा. और वो क्या था, नेवले और सांप के बीच में लड़ाई, वो उसे देखने का मौका मिला. तो बच्चों आज हम इसे यहीं तक पढ़ेंगे. अगले पार्ट में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे और फिर उसके बाद थर्ड पार्ट, मतलब ये चैप्टर हमारा तीन पार्ट्स में कंप्लीट हम करेंगे. तो अब आप इस एक से छः पैराग्राफ जो हमने पढ़े हैं इसे आप फिर से पढ़ें और समझें और फिर इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें अपने पास नोट करें. ठीक है. अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे. तब तक अपना ध्यान रखें और लेसन को सीरियसली पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, एग्ज़ाम में आएगा. बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे.